हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ब्लॉगिंग मेथड। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे आप किस तरीके से अपने वेबसाइट के अंदर कस्टम 404 पेज को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी वर्डप्रेस साइट है या फिर एचटीएमएल साइट है, उसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट थीम होता है उसका 404 एज उतना अट्रैक्टिव नहीं होता है, जैसे कि इस तरीके से आप देख सकते हो। तो अगर आप कस्टम 404 पेज को ऐड करते हो तो आपके साइट के बाउंस रेट बहुत ही कम हो जाता है, जैसे कि ये देख सकते हो कितना सुंदर एक 404 पेज है। इस तरीके का पेज आप कैसे अपने वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हो, आज इस वीडियो में इसके बारे में ही बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक वॉच जरूर करें। अगर इसके रिलेटेड किसी भी डाउट हो तो नीचे कमेंट पे जरूर बताइए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, कस्टम 404 पेज ये बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आपके विजिटर जब भी आपके साइट के अंदर विजिट करेगा तो वो पेज अगर अवेलेबल नहीं होता है, मतलब उसकी क्वेरी के हिसाब से अवेलेबल नहीं होता तो इस तरीके से दिखाता है। तो अगर आप इस तरीके का सुंदर 404 पेज को ऐड करेंगे तो विजिटर डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके आपके साइट के होम पेज पे नेविगेट कर पाएगा। तो इस तरीके का पेज ऐड करने के लिए अगर आपकी वर्डप्रेस साइट है तो बहुत ही इजी है। तो आपको एक प्लगइन को इंस्टॉल करना होगा। प्लगइन सेक्शन पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है कलरिब, COLORIB। जैसे ही यहाँ पे क्वेरी को सर्च करेंगे उसके बाद नीचे देख सकते हो कलरिब 404 कस्टमाइजर, इसके अंदर क्लिक करके पहले इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद एक्टिवेट पे क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके सेटिंग। तो आपको उसके बाद जाना है अपीयरेंस सेक्शन पे, जहाँ पे आपके साइट का टेम्पलेट लाइव कस्टमाइज होता है। अपीयरेंस सेक्शन पे जाएंगे, इसके अंदर माउस पॉइंटर ले जाएंगे और कस्टमाइज को लेके सेकेंड टैब में खोल लेंगे, मतलब कस्टमाइज पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे ऊपर में इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद एक नया सेक्शन क्रिएट हो जाएगा कलरिब 404 कस्टमाइजर सेटिंग, इसके अंदर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक 404 पेज उन्होंने एग्जांपल के लिए दिया है, तो इसको आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एक्टिव टेम्पलेट, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट आपके सामने मिल जाएगा। चेंजेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जिसको भी आपको पसंद आते हैं उसको सिलेक्ट करके आप डायरेक्टली उसको सेट कर सकते हो। आपकी टेम्पलेट के हिसाब से इसको होना चाहिए, नहीं तो अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा। जैसे कि ये पेज, मुझे ये पेज बहुत ही अच्छा लगता है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दे देंगे। देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, प्रोफेशनल लग रहा है। और नीचे 404 टेम्पलेट डिजाइन बाय कलरिब, एक वाटरमार्क है। अगर इसको हटाना चाहते हो तो इसका प्रोसेस अलग है, आपको प्लगइन की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट पे जरूर बताइए। तो वाटरमार्क हटाना मैं बता दूंगा कैसे हटाते हैं। उसके बाद पब्लिश पे आपको जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे ही पब्लिश पे क्लिक करेंगे ये सेटअप सक्सेसफुली हो जाएगा। तो आप अगर आपके साइट पे विजिट करेंगे, जैसे कि ये पेज अवेलेबल है, तो इसके अंदर हम एक 404 क्वेरी को सिलेक्ट करेंगे, मतलब किसी भी क्वेरी को दे देंगे जो पेज इस साइट पे अवेलेबल नहीं होगा, ऐसा क्वेरी हम सर्च करेंगे। इसको देंगे जैसे कि रैंडम भी मैं दे देता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे, देख सकते हो यहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है और यहाँ पे बोल रहा है पेज नॉट फाउंड। अगर बैक टू होम पेज पे कोई विजिटर क्लिक करेगा तो होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। और कितना सुंदर लग रहा है, आपके साइट के हिसाब से टेम्पलेट को चूज करके आप ऐसा दे सकते हो। तो दोस्तों, इस तरीके से आप 404 पेज को बहुत ही आसानी से अपने वर्डप्रेस साइट के अंदर यूज कर सकते हो। अगर एचटीएमएल साइट के अंदर 404 कस्टम पेज को ऐड करना चाहते हो तो नीचे कमेंट पे जरूर बताइए, उसके बारे में वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, टाटा।